हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आर्किटेक्चर फीस से रिलेटेड। एक आर्किटेक्ट कितनी फीस लेता है अपने क्लाइंट से, और ये जो वीडियो है ऑफ कोर्स आर्किटेक्ट के लिए नहीं है क्योंकि आर्किटेक्ट को अपने फीस के बारे में पता है। ये वीडियो होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि स्टूडेंट्स को जनरली आइडिया नहीं होता है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आर्किटेक्ट देता है, कौन कौन सी ड्राइंग्स देते हैं आर्किटेक्ट, साथ में कितनी फीस चार्ज करते हैं हर एक ड्राइंग का। तो वो उनको लाइक आइडिया नहीं होता, और आइडिया क्यों होना चाहिए उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि बहुत बार एकेडमिक्स टाइम पे आपको आपके फैमिली से या फिर आपके रिलेटिव से, या आप कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल से बहुत बार प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जैसे कि प्लानिंग करना या फिर 3D व्यूज़ निकालना, इन सब टाइप के एक छोटे मोटे जो है प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी एक आइडिया हो कि आर्किटेक्ट कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और कौन कौन सी फ़ीस होती है, तो थोड़ा सा उनको रेफरेंस लेने में थोड़ा सा ईजी रहता है। तो डायरेक्ट चलते हैं हम फीस की तरफ, फुल डिटेल में समझेंगे कि एक आर्किटेक्ट कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और क्या क्या चार्जेस लेते हैं। गाइज, इसमें जो है मैं एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को कवर कर रहा हूँ कि अगर एक आर्किटेक्ट के पास एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आता है तो वो क्या रेट लगाते हैं और किस तरीके से चार्ज करते हैं। अब गाइज, इसमें दो तरीके से चार्ज होता है, पहला होता है परसेंटेज वाइज और दूसरा होता है एरिया वाइज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग चार तरीके से चार्जेस लिए जाते हैं, जिसमें कि अगर सबसे पहले बात करें तो होता है कंसेप्ट डिज़ाइन। कंसेप्ट डिज़ाइन जो है वो आपका 10 से 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लिया जाता है। 10 से 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का मतलब हो गया कि अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट के अगर आपके पास प्लॉट साइज़ है तो ये इसके जो चार्जेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10,000, अगर 10 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं, और अगर आप 20 रुपये के हिसाब से ले रहे हैं तो हो जाएंगे 20,000। अब गाइज, इस रेट में इतना वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये स्टेट वाइज वेरी करता है कि अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में जनरली जो है वो 20 रुपीज़ लिए जाते हैं पर स्क्वायर फीट के। तो ये स्टेट वाइज वेरी करता है कि कितने चार्जेस कहाँ लिए जाते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले इसमें आप फ्लोर प्लान देते हैं। फ्लोर प्लान जो है वो आप अप टू 3 चेंजेस तक कवर करते हैं कि 3 चेंजेस जो है वो क्लाइंट से बैठ के डिस्कस करेंगे, तो 3 चेंजेस और 3 तरीके का आप लेआउट प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो आपका फाइनल हो जाता है उसका आप फर्नीचर लेआउट देते हैं। फर्नीचर लेआउट में आप फर्नीचर हो गया, उसके बाद विंडो हो गया, डोर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप देते हैं उसमें प्लान्स में। उसके बाद एक फाइनल प्लान मीन्स जो आपका जो इन 3 में से जो एक डिसाइड होगा वो प्लान आप देंगे फाइनल करके उसको, और एक 3D व्यू। तो इस 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर दिल्ली NCR के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 20 रुपीज़ आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, जिसमें कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो 20,000 रुपीज़ लगेंगे, और उसमें आप ये चारों चीज़ें कवर करके देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड स्टेज की, तो इसमें है कंसेप्ट प्लस वर्किंग ड्राइंग। इसके अंडर जो गाइज है वो जनरली 40 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज किया जाता है। अब अगेन वही, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो अगर आप 40 से करेंगे तो 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब गाइज, इस 40,000 के अंडर आप क्या क्या चीज़ें देंगे वो देख लेते हैं एक बार। सिविल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लंबिंग ड्राइंग, आर्किटेक्चरल ड्राइंग और स्ट्रक्चर ड्राइंग, प्लस ये कंसेप्ट। कंसेप्ट मीन्स ये वाला कंप्लीट, ये और ये कंप्लीट आप देंगे, तो टोटल हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज़ का। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेज की। इसमें अगर आप इसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं किसी क्लाइंट से, तो इसमें आपको 100 से 115 स्क्वायर फीट जो है आप पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। अगेन, अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो अगर आप 100 से इंटू करेंगे तो अप टू 1 लाख हो गया। अब गाइज, इस 1 लाख में आप सबसे पहले तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज ये दोनों ही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेट विद कॉन्ट्रैक्टर, मींस आपको कॉन्ट्रैक्टर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कुछ डिटेलिंग्स, कुछ चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो सारी चीज़ आपको करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा टिल कंप्लीशन तक। कंप्लीशन तक मींस कि जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तो आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर को भी साइट पर जाके विजिट देना होगा, आपको एक दो साइट विजिट जो है वो फ्री होता है जनरली, तो ये सारी चीज़ें आपको आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी स्टेज के अंदर करनी होती है। अब गाइस, जो फोर्थ वन है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप एक तरीके से कह सकते हैं पूरा टंकी प्रोजेक्ट हो जाता है कि आप कंप्लीट एक बिल्डिंग बना के देंगे। इसमें अराउंड 1000 से 1200 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट चार्ज किया जाता है दिल्ली के अंदर, अगर मैं आपको दिल्ली के रेट बताऊँ तो। ये सारे जो है ये सारे चार्जेस होते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं तो आपको ये चीज़ें देनी है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं तो आपको ये दोनों ही चीज़ें देनी है, और अगर आप इसके अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं तो ये तीनों ही चीज़ आपको प्रोवाइड करनी है। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मैं इसमें कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ या फुल डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जनरली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट के लिए ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है वो
कवर करना उतना अपर मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए अब गाइस बात करते हैं दूसरे फीस के अकॉर्डिंग, मींस कि अगर हम परसेंटेज वाइज फीस लेंगे तो गाइस उसमें होता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को लेके लगता है उसके अकॉर्डिंग आप 3-5% चार्जेस ले सकते हैं। जनरली 5% चार्जेस होते हैं, बट ये पूरा डिपेंड करता है आर्किटेक्चर फर्म पे कि वो कितना वेल एस्टेब्लिश फर्म है और वो कितना चार्ज कर रहे हैं आर्किटेक्ट, तो उसमें आप 5% या 7% जो है वो कंप्लीट देते हैं। तो अब उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो उसमें होते हैं आपके सारे ड्राइंग्स जो मैंने आपको पीछे बताए थे उसमें वो सारे, और प्लस सैंक्शन ड्राइंग आप पास करवा के देते हैं। उसके बाद पूरे कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद साइट मीटिंग, मीन्स क्लाइंट के साथ जितनी मीटिंग करनी है, कुछ भी अप टू डेट करना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। और चेकलिस्ट एंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट के वो रखने होते हैं आपको। चेकलिस्ट में जनरली गाइज हर तरीके के चेकलिस्ट आ सकते हैं, या पर्सनली अपने लिए रखते हैं चेकलिस्ट जो है, जैसे कि साइट पे जो है वो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स जो हैं या स्टाफ जो हैं, उन्होंने सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहने हैं, सेफ्टी गियर्स पहने कि नहीं पहने, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं किस किस टाइप के आप चेकलिस्ट अपने पास रख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल सिलेक्शन और कस्टमाइज़ करवाना। ये आप पर्सनली क्लाइंट के साथ मिलके जाते हैं और डिसाइड करके आते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, कौन से सैनिटरी फिक्सिंग लगानी है, तो ये सारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे ही आप सेलेक्ट करवाते हैं क्लाइंट के साथ मिलके। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ और टाइमली कंप्लीशन आपको करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3-7% आप चार्ज करते हैं, जनरली जो है वो 5% होता है और ये अगेन स्टेट वाइज वेरी करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और एक चार्जेस के रिलेटेड आपको एक आइडिया मिला होगा कि कितने चार्जेस लिए जाते हैं और कौन कौन सी सर्विस जो है वो एक आर्किटेक्ट प्रोवाइड करवाता है।